चार महीने पहले अलवर के बहरोड़ थाने में फायरिंग करके लॉकअप से हरियाणा के कुख्यात बदमाश विक्रम सिंह उर्फ पापला को भगाने में मास्टरमाइंड धर्मवीर को एसओजी ने कल गिरफ्तार कर लिया है। धर्मवीर हरियाणा के महेंद्रगढ़ स्थित खरौली गांव का रहने वाला है और धर्मवीर पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। एसओजी ने आरोपी को महेंद्रगढ़ स्थित धुलौट आहिर में पकड़ा है और इस बारे में एडीजी अनिल पालीवाल ने बताया है कि पापला की गिरफ्तारी के बाद धर्मवीर ने सभी साथियों को एकत्रित करके थाने पर हमला करने की साजिश रचकर सभी को उकसाया था और सबसे पहले फायरिंग शुरू की थी। लॉकअप का ताला तोड़ने के बाद पापला को धर्मवीर लेकर चला गया था। पापला के भागने के बाद 3 दिन तक उसके साथ ही रहा था और फिर दिल्ली में दोनों अलग अलग हो गए थे। कुछ दिन पहले ही कुख्यात पापला फरीदाबाद के एक मॉल में आने की सूचना मिली थी। इस पर वहां की क्राइम ब्रांच ने दबिश दी थी लेकिन पापला पकड़ में नहीं आया। इसके बाद जयपुर के सीतापुरा में होने का इनपुट भी मिला था। इसके लिए एसओजी ने सीतापुर में तमाम हॉस्टल्स होटल के साथ ही संभावित ठिकानों पर दबिश दी। गैंग से अब पापला और एक साथी राजवीर बचे हुए हैं और जिन्हें पकड़ने के लिए अभी टीमें फिलहाल हरियाणा में डेरा डाले हुई हैं। बुधवार को धर्मवीर पत्नी से मिलने के लिए गांव आने वाला था। इसकी सूचना कांस्टेबल महिपाल को मिली थी और इस पर इंस्पेक्टर मोहनलाल ने नेतृत्व में एक टीम भेजी और धर्मवीर को पकड़ लिया। अब बढ़ते हैं।